हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। और मैं अनीता शारदा आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक लुक रिक्रिएट। तो ये लुक होगा करीना कपूर खान का लुक, जो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो उनका जो लुक होता है, मोस्ट ऑफ द उनकी आईज़ का जो लुक होता है वो काफ़ी हटके होता है, और जो जो ज़्यादा वर्क होता है उनकी आईज़ के ऊपर वर्क होता है। नेचुरली अगर देखें वो बहुत ही सुंदर हैं। सो उनकी जो आईज़ का लुक होता है वो यहाँ पे हम रिक्रिएट करेंगे। सो वो कैसे अपना जो है आई मेकअप करती हैं, और जो उनका काजल लगाने का तरीका है, वो इस वीडियो में हम आगे आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आईज़ को कंसील करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अगर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो कंसीलर की हेल्प से वो हाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी आईज़ पे कंसीलर अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारे डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड हो जाएं। तो डॉट डॉट करके आपने कंसीलर लगा लेना है अपनी आईज़ के अराउंड, और दूसरी तरफ भी मैं सेम कर लूँगी, डॉट डॉट करके कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। फिर उसको अच्छे से हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंडिंग जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, किसी भी चीज़ की हो, आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हों या फिर आई के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर रहे हो, जब तक ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपका जो मेकअप है वो अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके कंसीलर अप्लाई कर लिया है। सो अभी इसको हम करेंगे ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। सो जो आगे से ये वाला पोर्शन होता है उससे हमने इसको ब्लेंड करना है आईज़ के ऊपर। सो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो इवन हो जाए। जिनको ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हैवी कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको कम है वो लाइट लाइट सा कंसीलर लगा सकते हैं, ताकि हम जो आई शेडो अप्लाई करेंगे वो अच्छे से आईज़ पे टिक जाए। तो अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। आईज़ को ऊपर की तरफ देख के आपने अंडर आई का जो कंसीलर है वो ब्लेंड कर लेना है। तो सेम मैं दूसरी तरफ कर लूँगी। तो पहले तो हम नीचे की तरफ देखेंगे, तो मेरा जो मिरर है वो नीचे है, सो इसलिए नीचे की तरफ देख के इसको हम अच्छे से आईज़ के ऊपर ब्लेंड कर लेंगे। सो फिर ऊपर की तरफ देख के हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप करोगे उतना ही अच्छा आपका जो मेकअप है वो दिखाई देगा। सो ये हो गई हमारी ब्लेंडिंग डन। सो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे जो करीना कपूर खान का जो लुक मैं आपको करके दिखाऊंगी यहाँ पे आईज़ का, वो मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में, ताकि मैं पहले आपको पूरा करके दिखा दूँ। सो अभी मैं यहाँ से ले रही हूँ हाइलाइटर पैलेट। तो ये जो हाइलाइटर पैलेट है ये है फॉरएवर 52 की, बहुत ही अच्छी हाइलाइटर पैलेट है। इसके साथ आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने फीचर्स को, और साथ ही साथ आप आई शेडो भी लगा सकते हैं। तो जो लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ उसमें उन्होंने जो आई शेडो अपनी अप्लाई की हुई है वो थोड़ी ब्राइट कलर की है, मींस के सिल्वर सिल्वर सा वाइट कलर है। सो मैं ज़्यादा वाइट नहीं लूँगी, तो ये वाला जो कलर है इसमें थोड़ा सा स्किन टोन भी है। सो ये वाला कलर मैं फिंगर की हेल्प से लेके मिडल फिंगर रिंग फिंगर की हेल्प से इसको मैं अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी। सो अच्छे से अप्लाई करना है। सो यहाँ से स्टार्ट करते करते हम पूरी आईलिड के ऊपर ये कलर अप्लाई कर लेंगे, ताकि एक बहुत ही सुंदर सा जो उन्होंने लुक क्रिएट किया था वैसा निकल के आए। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा आई शेडोज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, जो हमारे फीचर्स है काफ़ी इन्हांस होते हैं। सो यहाँ पे इनर कॉर्नर पे लगा लेते हैं। सो फिर अच्छे से इसको हम फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेंगे, जैसे कि आप देख पाओ। सो इनर कॉर्नर से लेके आईलिड तक आपने पूरा हाइलाइटर लगा लेना है। तो दूसरी तरफ भी मैं सेम कर लूँगी। तो जो उनका लुक है वो आईज़ का जो लुक होता है, उन्होंने काजल आईलाइनर बहुत अच्छे से लगाया होता है और उनके ऊपर अच्छा भी लगता है। ज़्यादातर उनकी जो आईज़ होती हैं वो स्मोकी आईज़ होती हैं, क्योंकि उनकी आईज़ का कलर डिफरेंट है। सो ब्लैक आई कलर नहीं है उनकी आईज़ का, करीना कपूर की आईज़ का। सो जो मेरा आई कलर है वो ब्लैक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अलग लगे। तो बाकी जो लाइनर काजल अप्लाई करने का वो तरीका है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो कैसे अप्लाई करती हैं। सो ये अगर लुक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ऑल्सो शेयर इट, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। सो जैसे कि आप देखें, तो यहाँ पर मैंने इनर कॉर्नर पे और अपनी आईलिड के ऊपर ये हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। सो इससे क्या होता है कि हमारी आई शेडो की आई शेडो हो जाती है, और साथ ही साथ जो हमारी आईज़ की शेप है वो अच्छे से निकल के आती है, पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लाइनर। यस, लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आईज़ को यहाँ पे अच्छे से कर्ल कर लेंगे कर्लर की हेल्प से, फिर दूसरी तरफ से
सो आईज को कर्ल करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लाइनर। तो ये जो लाइनर है मैं शुगर का ले रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो इस लाइनर को मैं अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए। जितनी आपकी आईज है आपने उतना ही अपना जो लाइनर है वो अप्लाई करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड लगाऊंगी क्योंकि उनका जो काजल लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा बोल्ड है। वो काफ़ी बोल्ड काजल जो है वो लाइनर अप्लाई करती हैं, उससे क्या है जो आईज़ है वो काफ़ी डिफाइन लगती हैं और बड़ी लगती हैं। सो जिनको वाटरी आईज़ की प्रॉब्लम है वो आप अपना इनर कॉर्नर भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज़ का, कितना डिफरेंस है। सो कितनी बड़ी लग रही है ये आईज़ एज़ कम्पेयर टू दिस। सो दूसरी तरफ भी मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी इनर कॉर्नर से। कोशिश कीजिए कि आप बारीक आईलाइनर ही चूज़ करें, उससे क्या होता है जितना आपको विंग चाहिए या फिर जितनी आपको शेप चाहिए उतना आपका जो लाइनर है वो लग जाता है। सो आप देख पाएँ तो दोनों तरफ मेरा आईलाइनर हो चुका है डन। तो अभी ये हो जाएगा 2 मिनट में ड्राई। सो आप देखें तो कितनी अच्छी शेप आई है, हाईलाइट हो रहे हैं मेरे इनर कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं और आई शेडो की आई शेडो हो गई हाईलाइटर से। लाइनर हमारा लग चुका है। उससे पहले मैं अपनी आईज़ के बीच जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं उस लुक में, करीना कपूर की उस लुक में, यहाँ पे वाइट काजल जो है वो अप्लाई किया हुआ है। सो क्योंकि हमारी आई शेडो भी वैसी है तो इनर कॉर्नर पे मैं वाइट काजल जो है वो फिल कर लूँगी। सो ये हो गया मेरा वाइट काजल इनर कॉर्नर पे, सॉरी ये हो गया मेरा वाइट काजल। सो अभी लुक को अपना कंप्लीट करेंगे फिर लाइनर की हेल्प से, क्योंकि उन्होंने अपनी अंडर आई जो नीचे के जहाँ हम काजल अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी उन्होंने लाइनर अप्लाई किया हुआ है। सो वहाँ पे भी हम लाइनर अप्लाई कर लेंगे। सो आउटर से स्टार्ट करते हुए फिर इसको हमने मैच कर देना है जो हमने पहले लाइनर अप्लाई किया है। फिर अच्छा सा फिनिश देखने देने के लिए आप एक स्ट्रोक और लगा सकते हैं। तो ये लाइनर मेरा हो चुका है इधर डन। तो आप डिफरेंस देखिए, ये और बड़ी हो गई आई मेरी एज कम्पेयर टू दिस। तो सेम मैं दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लूँगी। सो आउटर कॉर्नर से फिर से हम मैच कर देंगे जो हमने पहले लाइनर लगाया था। सो ये भी हो गया मेरा डन। तो हल्का सा मैं और अंदर की तरफ लगा लूँगी। अगर आप देखो तो दूसरी तरफ भी और आगे कर दूँगी मैं थोड़ा सा। सो ये हो गया मेरा लाइनर डन। अगर आप देखें सो ये लुक जो है आईज़ का, जैसे करीना कपूर अपनी आईज़ को लाइनअप करती हैं काजल अप्लाई करती हैं वैसा लुक है ये। तो ये हो गया मेरा लुक आईज़ का। तो अभी हम यहाँ पे कर लेंगे ब्लशर अप्लाई। तो यहाँ पे जो मैं ब्लशर ले रही हूँ वो डुई सा ले रही हूँ। डुई सा क्यों? क्योंकि ये मिक्स कॉम्बिनेशन है जो ब्लशर अप्लाई करूँगी यहाँ पे मैं, पिंक और पीच कलर का। तो करीना कपूर ने जो ब्लशर अप्लाई किया हुआ है अपनी फेस के ऊपर तो वो है पिंक सा कलर हल्का सा। सो इसको मैं अप्लाई कर लूंगी। सो दूसरी तरफ भी। तो हमने जब भी ब्लशर अप्लाई करना है तो ऊपर तक लेके जाना है जिससे हमें एक अच्छा सा इफेक्ट मिल सके। सो नोज पे लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फोरहेड का जो पॉइंट है उसको भी हाईलाइट किया है, इस पोर्शन को, नोज को, चिन को एंड क्यूबिट को। या दिस इज इट। तो ये हो गया हमारा हाइलाइटर भी। लिपस्टिक मैंने पहले ही लगा ली थी तो उन्होंने थोड़ी सी पिंक इन शेड लगाई है। तो यहाँ पे मेरे पास न्यूड लिपस्टिक थी
न्यूड लिपस्टिक थी, तो यहाँ पे मैंने न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की है। सो उसके ऊपर से मैंने ग्लोस लगाया है, क्योंकि मैट लिपस्टिक थी, क्योंकि उनकी जो लिप्स का कलर है वो थोड़ा सा ग्लोई है। सो यहाँ पे मैंने ग्लोई सी लिपस्टिक अप्लाई की है। तो ये मैंने ग्लैम 21 का मॉइस्ट लिप ग्लोस अप्लाई किया है अपने फेस के ऊपर, जिससे लिप्स को एक अच्छे से शाइन मिलती है। सो आप देख सकते हैं, तो अभी मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करने वाली हूँ, ये जो लुक है मैंने कैसे क्रिएट किया, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो लाइक ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो तो आप देख ही चुके हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। सो ये लुक जो है आप देख पा रहे होंगे। सो अभी यहाँ पे मैं आपको उनकी पिक्चर मेंशन कर दूंगी, तो उन्होंने अपनी आइज़ का जो लुक है वो कैसे क्रिएट किया है, तो आप मेरी आइज़ देख सकते हैं। तो सिमिलर वैसा ही मैंने कोशिश की है लगाने का। सो ये है मेरा लाइनर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो आगे मैं और कौन सा लुक क्रिएट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लुक क्रिएट करने का जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। सो आप ऐसे भी काजल लाइनर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइनर उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनका काजल फैलता बहुत है, तो आप ये लाइनर अप्लाई करके अपनी आईज़ को और अच्छा बना सकते हैं। सो ये जो काजल है, लाइनर लगाने का तरीका है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी वाटरी आईज़ है, जिनकी आईज़ में काजल फैलता बहुत है, उनके ऊपर भी ये लाइनर बहुत अच्छे से रहेगा और 24 आवर्स स्टे करेगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका काजल जो है फैलता बहुत है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी उनके जैसा लुक क्रिएट करने की। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। सो आप देख सकते हैं, आई नो मैं उनके जैसी नहीं लग सकती क्योंकि वो तो काफ़ी सुंदर हैं, बट उनके फीचर्स भी अलग हैं, मेरे फीचर्स अलग हैं, बट जैसे वो काजल अप्लाई करते हैं वैसे ही मैंने ट्राई किया है। अगर आपको ये लुक मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेट्स सी कौन सा लुक क्रिएट करती हूँ आगे। और आने वाली स्किन केयर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।